अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हिना काशिफ हाशमी और आप देख रहे हैं किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। आज जी बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारी जो है वो वीडियो है। उम्मीद करती हूं कि आपका जो रमजान का आखिरी अशरा है ये भी बहुत अच्छे से गुजर रहा हो और सब ढेर दुआएं करें, अल्लाह ताला से जो है वो ढेर सारी अपने लिए अच्छे नसीब और खुशियां मांगे। इंशाल्लाह सबकी दुआएं कबूल होंगी। तो अभी जो है वो मैं तैयार हुई हूँ जी, जा रही हूँ अपनी फूफो की बेटी के घर। आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया है अफ्तारी पे, तो अभी चलते हैं और फिर आपको भी उनसे मिलवाऊंगी। बहुत ही प्यारी मेरी कजन है। ठीक है रोडी? ठीक है, चले चले तो चले, लेट्स गो। अभी रास्ते में से हमने अरसल को पिक करना है और मैंने उनके घर केक लेके जाना था, वो मैंने पहले ही ले लिया ताकि हमें रुके जो है वो बीच में कोई ऐसा वो ना हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। लेट्स गो प्रीतिशा मेरा बेबी। पीछे सूटकेस भी आ रहा है। हाँ, हम जा रहे हैं लाहौर। जो हम नहीं गए, चले जाएंगे। मुझे मुजफ्फराबाद बहुत याद आ रहा था। कल हवाएं चल रही थी और बारिशें हो रही थी ना, तो मुझे वो सारा याद आ रहा था। याद है हम शूट करने गए थे रात को ठंड में? हाँ, कितना अच्छा लग रहा था। बहुत मुझे याद आ रहा था। चलो फिर चलेंगे, डोंट वरी इतना ना। हाँ, उसने लाहौर जाना। मैं उसके साथ हूँ एक्चुअली। हाँ जी, वो भी उसके साथ ही है। पूरा रमजान माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर रहा। पिंडी इस्लामाबाद का वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में काफ़ी गर्मी पड़ी, लेकिन ये है कि हमारे शहर में जो है वो बड़ा अच्छा वेदर था। बादल आए हुए थे और बस बारिश जो है वो रेडी थी आने के लिए, और ये हम सारे जो है वो मुनू मुनू बन के जा रहे हैं। रमज़ान का मज़ा ही यही है कि सब लोग मिलजुल के जो है वो एक दूसरे की हेल्प के साथ अफ्तारी तैयार कर लें। कोई पकोड़े बना रहा है, कोई चाट बना रहा है, कोई जो है वो दस्तरखान लगा रहा है। तो यही सारी मोहब्बतें होती हैं। और हम लोग जो है वो अपने बचपन का सारा कुछ याद कर रहे थे कि जब अब्बू जो है वो अफ्तारी को ऑर्गेनाइज़ करते थे ना अपने घर में, और फूफो ऑर्गेनाइज़ करती थी कैसे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी रखी है कि कैसे आपने बड़ी से बड़ी जो है वो गैदरिंग को जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करना है। और ये देखिए बबली बाजी और उनके हस्बैंड का बड़ा प्यारा सा पोर्ट्रेट। कपड़े डाले और जी खत एक लिखा माँ को दिया और जी खत भी लिखते थे। हाँ जी, एक लेटर होता था। वाओ, और वो देखे और आ जाती थी आके होटली में दो अपने कपड़े डाल के बस ये डिश तैयार है। लजीज़ मुझे बेटा, प्लेट बनाओ से ऐसे गले मिलते हैं ऐसे।
इब्राहिम की तरह। हाँ, इब्राहिम मेरा भी इसी तरह है। शर्मिला ऐसे ही है। मेरे घर में लिखा आजा तुझे फोटो मैंने कहा तेरे ये हालात और हम यूं मिलता है कि मैंने कहा देखा डायबिटीज ये पकड़े काशिक से बात करना ठीक है पापा है डायबिटिक शुगर भी है डॉक्टर से चल के और आमिर भाई को भी नहीं आमिर भाई सना खाला को है सना को है ये गिलास हर घर में एक एक है हां हर घर में ना हो जाए और ये देखें जी हमारी एक्सपर्ट्स जो हैं वो मज़ेदार किस्म के दही बड़े बनाते हुए कमाल किस्म के जो है दही बड़े तैयार हुए थे एंड वी रियली इन्जॉय और उसको अल्लाह ने इज्जत दी है बहुत बहुत ज्यादा मासूम है ना वो उसने कोई बनावट नहीं दी हुई है अस्सलाम वालेकुम कितना खूबसूरत लग रहा है और जो उसकी छोटी है क्या हां कितने थोड़े मासूम रमज़ान की यही मोहब्बतें होती हैं और जब सारे लोग इकट्ठे हो ना तो बस फिर तो खूब सारी बातें होती हैं और ये देखें जी शरबत वगैरह सब तैयार हो रहा है कुछ लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पे हमने अफ्तारी लगा दी थी और कुछ लोगों के लिए जो है वो दस्तरखान बिछाया दस्तरखान के बगैर तो अफ्तारी का जो है वो मज़ा ही नहीं आता तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारी दस्तरखान पे जो है वो अफ्तारी सजना शुरू हो चुकी है असल मेरी बहन होने का सब कुछ वो आ गई है बेचारी ठीक है ना ऐसे ही होता है ना अभी कल परसों मुझे शमशाद आंटी की कॉल आई सोलहवें रोजे पे ना कि तेरी तो बर्थडे है और अबू अफ्तारी करते थे और हम सारे वो पकौड़े बनाते आंटी बड़ा याद कर रही थी अबू को और फिर फूफो को याद कर रही कभी सुबह सुबह यूँ आके हम हलवा बनाते थे और यूँ करते थे और बाहर आप जरा वेदर चेक करें इतनी ज्यादा तूफानी किस्म की जो है वो गरज चमक हो रही थी और हवा चल रही थी और बस बारिश जो है ना वो आने को तैयार थी तूफानी किस्म ऐसी चल रहा है अफ्तारी में जो है वो बस अब कुछ वक्त ही बाकी रह गया और सब लोगों का इंतजार कर रहे थे और सब लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे और कुछ तूफान में फंसे हुए थे उड़ के आ गया वीडियो बनाने के लिए हाँ उड़ के आ गया ना पुराना लव्ज ये हाँ माई मुंडा मुंडा अभी फिर कुछ ना इसके ऊपर तरकीबें कर रहे कौमी ने बड़े अरसे बाद शलवार कमीज पहना था ना तो बस यही इसी बारे में जो है वो सारी डिस्कशन चल रही थी अच्छा जीएम का क्या मतलब ग्रैंड मदर वो मॉडर्न है ना बहुत वो मॉडर्न है हां और वो कहते जीएम हुआ जीएम जीएम घर छल्लू मामू अपना खाला और मैंने कहा बीवी ना लो घर कौन है जानू खाला छोटे मामू वो अभी बेटा मुझे तेरे सुना कि काम की था हेलो फाइनली मरियम पहुंच गई बारिश में तूफान से लड़ते हुए और ये हम कजने जो है वो आपस में खुश होकर हंसी खेल कर रहे थे कि यार हमने तो मिलने की वीडियो नहीं शूट की तो चलो जी दोबारा से मिलने की जो है वो वीडियो को शूट करते हैं और खूब मजा कर रहे थे हम लोग इतने अरसे बाद कजन्स मिले तो फिर इस तरह तो होता ही है ना भाई बाकी से भी मिल लो मरियम से तो मिल लिए हम कुकीज़ का बनाऊंगा मुझे स्क्रीन टाइम दो डिजर्व स्क्रीन टाइम
हाँ डिश उतरवा रहा था कौमी से इसने ही उतार के यूं दे दी कह रही है वो देखो बचपन की टूर जब मम्मी अपनी बाप की कॉपी अरे मुझे होना चाहिए बाकी इसके बाल स्ट्रेट थे इसके लेकिन नूर बुशरा को लोकेशन नहीं मिल रही थी अफ्तारी के टाइम लाइट चली गई तूफान बहुत आया बहुत चली क्या कर रहे हो मान अफ्तारी होने में कुछ मिनट ही बाकी रह गए थे और लाइट चली गई थी और अभी तक बुशरा नहीं आई थी हम बुशरा का इंतजार कर रहे थे और फाइनली जो है वो अफ्तारी से कुछ लम्हात पहले बुशरा आ गई कौन आया माशाल्लाह जी हमने बहुत 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 एंजॉय किया बड़े अरसे बाद हम सारी बहनें कजने सब इकट्ठे हुए और मिल बांट के हमने जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया और ये मैं साथ किचन में जो है वो बाजी की हेल्प कर रही थी और ये देखें मज़ेदार किस्म का चिकन रोस्ट इन्होंने तैयार किया था बहुत अच्छा खाना और बहुत ही लजीज किस्म का जो है वो अफ्तारी थी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बबली बाजी आपके घर इंशाल्लाह वो अगले रमज़ान को भी एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा आएंगे आपके पास ध्यान से बैठो नीचे नहीं गिर जाना ये बेचारा नीचे घूम रहा है कैसे ठीक ठाक मेरे बच्चे का नाम बेटे का ही नाम मेरा सबसे बड़ा बेटा तो बैठने होगा कितना अच्छा लगता है ना जब सबसे आप इस तरह से मिलते हैं आई होप आपने भी मेरे साथ इसी तरह इंजॉय किया होगा जितना मैंने किया बहुत मज़ा आया अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह जो है वो खुशियां बरकरार रखे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए इंशाल्लाह फिर मिलूंगी बाय बाय